मध्य प्रदेश में चुनाव आते ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशी में दो प्रत्याशी छतरपुर जिले की हैं, महाराजपुर और छतरपुर विधानसभा के। जैसे ही प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए वैसे ही विरोध के सुर जोरों से उठने लगे हैं। तो कहीं पुतला दहन तो कहीं चूड़ियां लेकर हाय हाय नारे लगाती हुई महिलाएं। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले का महाराजपुर में जमकर हो रहा विरोध। वहीं कामाख्या सिंह का पुतला बनाकर दहन कर क्या कहते हैं लोग, आइए सुनते हैं। दीपक चौरसिया, आज किसका पुतला दहन किया गया? आज भवन राजा टीका राजा का पुतला दहन किया गया। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया कि पिछली बार भवन राजा 18,000 वोटों से हारे थे, इस बार 36,000 वोटों से उनका लड़का हारेगा। ना तो उनको कोई क्षेत्र में जानता है और ना पहचानता है। राजनीति सिर्फ परिवारवाद की चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। जो ये जमीनी लेवल का कार्यकर्ता है उसको कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है, जिसकी कई पीढ़ियां गुजर गई हैं पार्टी की सेवा करते करते और जनसेवा करते करते, उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने जन आक्रोश दिखाया है और उनका बहिष्कार किया है। कौन नेता है आपका? हमारा नेता है अभिनंदन पटेल या बबलू भैया। अब क्या चाहती है आप? हमें चाहते हैं कि टिकटों में फिर से फेरबदल किया जाए और सही व्यक्ति को जो समाज से जुड़ा हो, जमीनी स्तर से जुड़ा हो, उसको टिकट दी जाए। कुछ नहीं, हमको तो ये पता है कि हमारे ऐसा भाभी को टिकट मिलने चाहिए, विधायक की तो मिलने चाहिए, क्योंकि वे छतरपुर में रात दिन काम करती हैं, मेहनत करती हैं, और जब चाहे गरीब हो चाहे जो कोई हो, जब भी जितना जब पहुंच जाए तो उतनी रात उनके दरवाजे खुले रहते हैं और सबके साथ रात भर खड़ी रहती है। अगर अस्पताल में भी कोई को प्रॉब्लम हो जाए तो जितनी रातें फ़ोन लगा दो उतनी रातें पहुँच जाती हैं। शादी ब्याह हर चीज़ के लिए रात दिन खड़ी रहती हैं, किसी को भी कोनो प्रकार का दुख सुख हर दुख सुख में शामिल रहती हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि विधायक की टिकट अर्चना भाभी को मिलनी चाहिए, तो अर्चना भाभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए कि 2300 वोटों से हारी थी, यहाँ से हारी नहीं थी, हराया गया था, लेकिन वो 18,000 वोटों से हारी थी, फिर भी उनको टिकट दी गई। क्यों दी गई? गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, वो मेहनत उस अर्चना भाभी ने की है, 5 साल बराबर कुछ पचपन भी नहीं रह कर भी नहीं, फिर भी काम बराबर किया है, बराबर मेहनत की है। आप सबको पता है, पूरे छतरपुर को पता है, ग्रामीण के लोग उनको पता है, सबको मालूम है। हम सब आज इसीलिए आए हैं कि टिकट मिले तो अर्चना भाभी को मिले, ना तो बस। हमें अर्चना, हमें अंशिका सिंह नाम है मेरा, मैं यहीं की हूँ छतरपुर की। तो मैं अर्चना भाभी को ही टिकट मिलना चाहिए, मैं उन्हीं के समर्थन में आई हूँ, ना मैं किसी की भड़का, मैं खुद से ही आई हूँ, उनको मिलना चाहिए, अर्चना भाभी ही चाहिए वो ना। हम लोगों को अगर हम रात में उनको 2 बजे 3 बजे रात में भी फोन करें तो वो हम लोगों के लिए तैयार रहती हैं। पार्टी ने गलत कैंडिडेट को अब सीट दी है, हम लोग वो कभी हम नहीं जानते कौन है वो जिसको सीट मिली। हम किसी का वो मतलब उस नाम नहीं लेना चाहते, ना उनका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लिए खड़ा है हम उनके लिए खड़े। अपना नेता के